शास्त्र रेखा शास्त्र में हर व्यक्ति के हाथों की उंगलियां अलग अलग तरह की चौड़ाई में होती हैं, आकार में साथ ही इनकी लंबाई और चौड़ाई भी अलग अलग देखी जाती है। यही नहीं, उंगलियों में जो भाग बने होते हैं वे भी सबके हाथों में एक जैसे नहीं होते। ये भाग अधिक गैप वाले या फिर छोटे गैप वाले भी हो सकते हैं। क्या कभी आपने उंगलियों के बीच बने इन भागों के आधार पर व्यक्ति को परखने की विद्या के बारे में जाना है? छोटे उंगली में बने ये तीन भाग मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में कई खुलासे करते हैं। आइए जानते हैं छोटी उंगली में बने भागों का रहस्य। अगर हम ज्योतिष की माने तो हर किसी की छोटी उंगली के ये तीनों भाग एक जैसे नहीं होते। ये भाग जो तीन हिस्सों में बटे हैं, इनमें से कोई एक काफी लंबा होता है तो बाकी दो छोटे होते हैं। कई बार तो बीच वाला भाग बड़ा होता है और ऊपर वाला छोटा होता है। बात करते हैं पहली, यानी अगर आपका पहला भाग लंबा हो तो कहा जाता है कि अगर आपकी छोटी उंगली पर बने तीनों भाग में से सबसे पहला भाग का आकार अधिक लंबा है तो आप दूसरे लोगों का अधिक आकर्षक पाने वाले इंसान हो सकते हैं। आपके बात करने के तरीके से भी लोग बेहद प्रभावित होंगे। इससे आप खुद भी गहराई से लोगों को परखने की क्षमता रखेंगे। वही बात करते हैं दूसरे, यदि बीच वाला भाग आपका लंबा हो तो। अब अगर बीच वाले भाग की बात की जाए तो यदि छोटी उंगली का बीच वाला भाग पहले भाग से और तीसरे भाग से भी लंबा हो, ऐसे लोग केयरिंग होते हैं, दूसरों का ध्यान ये खुद से भी ज्यादा रखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि ये लोग व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। वहीं बात करते हैं तीसरे की, अगर किसी की छोटी उंगली का तीसरा यानी आखिरी वाला भाग सबसे छोटा हो तो यह उनकी कमी नहीं बल्कि अच्छाई को दर्शाता है। ये लोग सबके प्रति वफादार होते हैं। ऐसे लोग बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं, साथ ही दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये किसी को धोखा नहीं देते। वहीं बात करते हैं अगले की, यानी अगर उंगली के तीनों भाग ही छोटे हैं यानी उंगली काफी छोटी है तो ऐसे लोग भीड़ में खो जाने वाले होते हैं। इनका आसपास होना या ना होना एक ही बात है। ये व्यक्ति कम प्रसिद्ध लोगों की श्रेणी में आते हैं। वहीं बात करते हैं अगले की, यानी अब अगर आपकी उंगली का पहला और आखिरी भाग लंबा है और छोटी उंगली के बीच वाला भाग छोटा है तो ऐसे लोग हीट यानी जिद्दी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बेहद हठी स्वभाव के होते हैं। इन्हें किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं आता। ये जो एक बार ठान लेते हैं बस वही करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत। अब बात करते हैं आखिरी की, इसके अतिरिक्त अगर बीच की बजाय आखिरी वाला भाग छोटा हो तो यह फिर भी सही होता है, क्योंकि ऐसे लोगों पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये लोग ईमानदार होते हैं, ये किसी तरह की बेईमानी नहीं करते। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।